बिहार में आज नीतीश कुमार की नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो रही हैं और नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार से हारे महागठबंधन में सिर्फ डबल की स्थिति काफी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने पिकनिक पॉलिटिक्स के बहाने राहुल गांधी पर एक करारा हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी बिहार के चुनाव पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर शिमला में पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के 70 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने 70 सभाएं भी नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ नेता तो बिहार आई भी नहीं। राहुल गांधी ने भी सिर्फ 3 दिन चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस महागठबंधन के पैर की जंजीर बन गई और ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, 1 दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उसे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट मैंने लड़े, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। महागठबंधन के आरोप और प्रत्यारोप से भारतीय जनता पार्टी जाहिर से बात है बहुत खुश है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नॉन सीरियस पर्यटक नेता बता दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इन बातों को साफ तौर पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के बारे में बिहार के महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद जी तो राहुल गांधी को बराक ओबामा से भी ज्यादा जानने लगे, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है? राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन की घटक पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? तो आपने देखा कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से सवाल और जवाब का दौर शुरू हो रहा है। दरअसल आज वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का भी एक इंटरव्यू छपा है एक अखबार में, जिसमें कपिल सिब्बल ने तमाम वो सवाल उठाए हैं जो चिट्ठी राजनीति के तहत कांग्रेस के समय उठाए जा रहे थे, खास करके तब जबकि कांग्रेस के सामने 30 वरिष्ठ नेताओं ने यह सवाल खड़ा किया था कि क्या कांग्रेस में अब वक्त आ गया है जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल इस बार कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर इतने सवाल क्यों उठे जा रहे हैं। 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए जिसमें से जीते सिर्फ 19, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 27%, जो कि तमाम राजनीतिक दलों में खास करके अगर आप राष्ट्रीय दलों की बात करें तो बिल्कुल नगण्य रहा। और अमित तो वहां लगातार जाते भी रहे। अमित, कांग्रेस की इस स्ट्राइक रेट पर क्या आपको अचरज नहीं हो रहा था कि वो पार्टी जिसको पूरे दमखम से प्रचार करना चाहिए था पूरे क्षेत्र में और चुनावी पूरे दौर में कहीं दिखी नहीं रही थी? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जब हम वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे हर एक क्षेत्र में गए। मैं आपको बेगूसराय का उदाहरण दे देता हूं। बेगूसराय में अमिता भूषण वहां पर विधायक थी, वो जब चुनाव मैदान में उतरी वो खुद बता रही थी कि उनके पास क्या सपोर्ट था, उनके अलावा उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। शायद अगर वो वहां पर उनको सपोर्ट मिलता पार्टी का या किसी की तरफ से कार्यकर्ताओं का तो हो सकता है वो सीट निकाल लेती, क्योंकि लोग वहां के इतने खुश नहीं थे जो बीजेपी के वहां पर कैंडिडेट थे कुंदन सिंह जो जीत के पहुंचे। तो इस तरह से लूज किया है। बिल्कुल। और अखिलेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से बिहार के नेता शिवानंद तिवारी जी ने आज कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, राहुल गांधी की पिकनिक पॉलिटिक्स पर भी कटाक्ष किया है, क्या इसके बाद कांग्रेस में कोई विचार हो रहा है? क्योंकि आपके सबसे पुराने और विश्वस्त साथी अब आपसे विमुख हो रहे हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी जी खुद अपनी पार्टी में इरिलेवेंट हो गए हैं और शिवानंद तिवारी जी का इस तरह का बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो
सीनियर लीडर रहे हैं बिहार के, लेकिन राहुल जी पर जो इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं वो निराशाजनक है। और आप जो बात कर रहे थे, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ जी, राहुल जी 3 बार बिहार गए थे, 3 दिनों का उनका दौरा था जी। पहला दौरा था हिसुआ में, नवादा जिले में, जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। वहाँ पे हमारा उम्मीदवार जो कांग्रेस की उम्मीदवार है नीतू सिंह, उसको 1 लाख के लगभग वोट आया है और 20,000 से ज़्यादा मतों से पराजित हुआ है वहाँ बीजेपी। दूसरे दिन की उनकी मीटिंग थी किशनगंज में, अगर आपको ठीक से मालूम होगा जी, वो MIM के कब्जे में थी वो सीट, और वहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। तीसरे दिन फिर मैं जहाँ था अररिया में जी, वहाँ पे हमारा उम्मीदवार जीता है। एक जगह केवल हिसुआ में ज्वाइंट मीटिंग हुई तेजस्वी प्रसाद यादव की और राहुल जी की, वहाँ भी हम जीते हैं। कहलगांव गए जी, अगर आपकी आपकी इसी दलील को मैं सही मान लड़े थे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आपकी यही दलील अगर सही है तो राहुल गांधी को तो कम से कम 30 दिनों तक लगातार वहां काम करना चाहिए था। 70 सीटें थी, अगर 70 में से आप 50 सीट जीत जाते तो फिर तो आपकी सरकार बनने में कोई दुविधा नहीं होती, ये मेहनत तो करनी चाहिए थी, तो हम लोग ज्यादा खुश होते और सरकार निश्चित रूप से बनती, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अखिलेश जी यही तो सवाल है ना कि क्यों नहीं किया फिर? नहीं ऐसा नहीं हुआ, आपको लगा कि 3 दिन काफी है? जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार हम लोग हैं, बिहार कांग्रेस के लोग जिम्मेवार, हम लोग सभी सामूहिक जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जहां पर, क्या राहुल गांधी आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो वहां पर पोस्टर लगे पूरे बिहार में वो राहुल गांधी के लगे, बड़े बड़े कटआउट्स, उसमें सोनिया गांधी कहीं पर छोटे से ऊपर नजर आ रही थी, मनमोहन सिंह जी वहां पर छोटे से नजर आ रहे थे, तो फेस तो वहां पर आपके भले अध्यक्ष ना हो, सारा दारोमदार तो राहुल गांधी पर था, तो आरोप क्यों नहीं जाएगा उनके ऊपर? तो ये काम कोई राहुल जी का है, राहुल जी पोस्टर लगवाते हैं, तो कौन लगाता है, किसके नाम पे चुनाव लड़े हैं तो बता दीजिए आप। बिहार कांग्रेस का काम था, नहीं ऑब्वियसली तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पर चुनाव लड़े थे वहां, हम लोग के नेता तो सिंबल ले लेते उनका, तेजस्वी प्रसाद यादव थे। अखिलेश जी बहुत सीधी कोई दो राय थोड़ी ही है। नहीं अखिलेश जी, और ये बात आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी सीटें 71 से 43 हो गई। एनडीए के खेमे में क्या हो रहा था, तो ये उठाया इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करके तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, हम तो सिर्फ आपकी चर्चा कर सकते हैं और हम इसमें बस सीधे तौर पर जानना चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी जो कि बिहार में अपने जनाधार को बनाने में पिछले 25 साल से, की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 27 MLA थे, तो जिस समय हम लोग चुनाव में जा रहे थे उस समय हम लोग के 22 MLA थे, हम लोग 22 से 19 पर आए हैं, उसका ठीक है। जमीन पर ऐसे राजनीतिक दल के मुखिया के तौर पर क्या राहुल गांधी को जीतोड़ मेहनत नहीं करनी चाहिए? उन्हें तो नहीं, आप तकरीबन 2 महीने बैठ जाना चाहिए। नेता की तरह क्यों बात कर रहे हैं जी, आप एंकर की तरह बात करिए ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, बात करिए। देखिए ये जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर भी होती है ना, बिल्कुल एंकर की तरह ही पूछ रहा हूं, मुझे अगर कोई काम दिया जाता है उस काम को करने के लिए मैं जीतोड़ मेहनत करता हूं, और ये आप भी करते होंगे, आपको भी दिया जाता होगा, आप भी करते होंगे। ये काम क्या पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का नहीं है जा रहे हैं? ये काम मतलब मोदी जी क्या जीत गए पूरा सारे सीट? चलिए, हमारे साथ अभी मृत्युंजय जी भी जुड़ चुके हैं RJD से। अखिलेश जी बताइए कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है आपके पार्टी का, कांग्रेस का? पार्टी का अध्यक्ष है वहां मदन मोहन झा जी। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में कौन है, अध्यक्ष कौन है बता दीजिए? श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष तो हैं। मुझे आप बताइए, आपने भी तो वहां प्रचार किया है ना, मैं वहां पर था, खुद जमीन पर गया हूं, आप जो सीट का एग्जांपल दे रहे थे, आपको मैं भी एग्जांपल देता हूं। किया है। अच्छा अमित, मैं अभी एक अखिलेश जी, कपिल सिब्बल आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
उनके आज का इंटरव्यू है उसका एक अंश पढ़कर आपको बता रहा हूं, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि फॉर सिक्स ईयर्स द कांग्रेस हैज नॉट इंट्रोस्पेक्टेड, व्हाट होप डू वी हैव फॉर इंट्रोस्पेक्शन नाउ, वी नो व्हाट इज रॉन्ग विथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली, वी नो व्हाट इज रॉन्ग, आई थिंक वी हैव ऑल द आंसर्स बट नोबडी वॉन्ट्स टू टेक एनी स्टेप्स। ये कह रहे हैं आपके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल। आपके पास सारी जानकारी है, पार्टी जानती है कि कहां खामियां हैं, पार्टी जानती है कि क्या ठीक करना है, इसके बाद भी कोई कुछ करने को तैयार नहीं। मुझे सारी जानकारी है और ये सब समीक्षा के बाद ये बात होनी चाहिए। अभी बिहार का चुनाव हुआ है, हम लोग खुद तकलीफ में हैं कि किस तरह से वहाँ जनमत का अपहरण हुआ और लास्ट में किस तरह से एक दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उलट फेर हुआ परिणाम में। चलिए आप अभी भी समीक्षा की बात कर रहे हैं, मृत्युंजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, मैं तो बड़े सीधे तौर पर पूछूंगा, जो बातें सामने रखी जा रही हैं कांग्रेस को लेकर, उससे आरजेडी सहमत है कि नहीं? शिवनंद जी की बात आपके दिल में चोट करती है कि नहीं? नहीं, देखिए शिवानंद तिवारी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, कि जब गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में नेतृत्वकर्ता हमारे कप्तान श्री तेजस्वी यादव जी थे जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम इन लोगों से निपटने के लिए अकेले ही काफी हैं, जी तोड़ मेहनत भी तेजस्वी यादव जी ने किया जी, जनता ने उनको अपना पूरा आशीर्वाद भी दिया, हम हारे नहीं है, हम हार कर भी जीते हैं, इसलिए कि जनता के दिलों को। मेरा सवाल अलग है मृत्युंजय जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या आज आरजेडी को इस बात का अफसोस नहीं है कि कांग्रेस ने अगर जरा मेहनत की होती तो आपकी सरकार होती? देखिए जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं तो फिर अगर मगर का कोई स्कोप नहीं होता है, अगर ये होता तो वो हो जाता, आज अगर 5 सीट 10 सीट उनको कम हो जाता तो सरकार हमारी बनती। अगर आप बात को गोलमोल क्या क्लियर, आप सीधे बोलिए ना कि आपको अफसोस है कि नहीं है, हाँ या ना, अगर नहीं है तो बात खत्म हो जाती है, और अगर है तो उसकी वजह बता दीजिए। जब हम बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाए, 125 सीट पर एनडीए कैसे पहुंचा इस पर तो सब लोगों को पता है, लेकिन आज वो 125 पर है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक आप जवाब देने से बच रहे हैं, और जब आप जैसे नेता जवाब देने से बचने लगते हैं तो यानी कि मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और तभी पत्रकार सवाल पूछने लगते हैं। कांग्रेस गठबंधन में है जी, बीजेपी भी कभी 2 सीट पर थी, वहां से वहां पहुंची है कांग्रेस, आपको कोई अफसोस नहीं है ना? चलिए मृत्युंजय जी, मैं अब इस सवाल को इस तरह से रखता हूं, आपको किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है कि कांग्रेस का प्रदर्शन स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% था? कोई अफसोस नहीं है, जो हुआ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक? शायद उनका कनेक्शन आपकी। चलिए हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे, ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब हमें आप शायद फिलहाल देना पसंद ना करें, लेकिन जाहिर से बात है चर्चाएं जरूर चल रही हैं, खास करके कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। अखिलेश जी मानते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने जो हो सकता था पूरी तरीके से किया, जो भी दिक्कत है वो स्थानीय कांग्रेस में है, जाहिर सी बात है ये आमतौर पर होता है अमित कांग्रेस के साथ, और वो बोलेंगे नहीं क्योंकि चुनाव जो लड़ा गया है राहुल गांधी के नाम से लड़ा गया है, भले ही वो अध्यक्ष ना हो। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं ताजा अपडेट के साथ, क्योंकि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार।